अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओके, तो आप लोग सब लोग मेरे ब्लॉग में आते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है, सब मेरा ब्लॉग देखते हैं और सबको मैं साथ में अपने ब्लॉग में लेती हूँ। कल भी इतना अच्छा लगा, कुलसुम लोग गए छोड़ने गए थे, हमें थोड़ा टाइम नहीं रुक पाई क्योंकि गाड़ी की पार्किंग का बहुत ज़्यादा इश्यू था उधर, क्योंकि पार्किंग में लगाएंगे तो गाड़ी इधर करो करते करते वो तीन जगह तो आगे कर दिया था उसने गाड़ी को, तो गाड़ी का अरे वो लग गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाया। मुझे हल्दी में भी जाना था मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरी बहन लोग से मिलके। अल्लाह उनका बोलते ना जो नियत थे अल्लाह पाक सब उनको बोलते ना दुआएं जो भी है अल्लाह पाक सब कामयाब करे, और जो नियत से गए बड़े सरकार के यहाँ अल्लाह पाक वो भी कबूल फरमाए और हम लोग के भी उनके सत्ते में जाने की तौफीक अता फरमाए रब्बुल आलमीन। और आज क्या है आज सब लोग मेहंदी लगाने के लिए बड़े घर पे गए हैं, जैसे कि परी मेहंदी लगा रही है, बानो अपा मेहंदी लगा रहे हैं, नसीम अपा मेहंदी लगा रहे हैं, आसमा मेहंदी लगा रही है, तो मेहंदी वाली लोग सब उधर अवेलेबल, यहाँ मत करो यार तो घर में गजगज गजगज हो जाएगा। वो सब लोग उधर मेहंदी लगाने गए हैं, अभी अनाब भी जाएगी, तो अनाब अभी लगा रही नहीं लगा रही वो नहीं पता है, मगर मैं भी नहीं लगा रही मेहंदी क्योंकि अभी ठंडी में मुझे मेहंदी लगाना बहुत भारी पड़ता है, ये निकल गई गनीमत है। तो अभी हम लोग खाना भी आज खाना भी आज अम्मी के उधर है। बाबू छुपे ना, बाबू छुपे, बाबू तो आज खाना भी अम्मी के इधर है मेरी, तो आज दोपहर में हमारे खाना है मेथी और रात का कुछ सालन है और कुछ कुछ है थोड़ा थोड़ा, बताओ नहीं। आज तो मैंने पूरी 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 ऐसे नियत कर ली हूँ, बॉडी उधर तंग कर दी, मुझे जाना है। आज तो मैं जाऊंगी, इनकाम जिंदाबाद, जाऊंगी। तो पूरी फुर्तीले पन में इधर बैठी हूँ, खाली मेरे जन्नत वाले बेडरूम में नहीं पहुंच जाओ फिर मैं जन्नत ही हो जाती थी। मेरे बेडरूम का नाम मैंने जन्नत रखी हूँ, वहां जाती तो मैडम जन्नत ही हो जाती। उसके बाद मुझे कोई दुनियादारी कुछ नहीं दिखती, सिर्फ मेरा बेडरूम और मैं है ना, और मेरी तनहाई इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं बता नहीं सकती, कोई हो या नहीं हो मैं उसमें बहुत खुश रहती। और इसने आज ना बेगरत पने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना चिल्लाता ऐसा बस कर दिया। रखा यार ने उसमें दया मया करके बोला इसको अंदर लेता हूँ मम्मी, इसको ठंडी लगेगी, जब अपने ठंडी लगती है इसमें बैशेक डाला इसने, बाप अम्मा अरे बाप रे बाप, बस कर बंद कर दे तेरा, नहीं बात आता बाबा मेरा दुकड़ा इधर दर्द चल रहा है मगर इसको असर नहीं हो रहा है, आयान से ज्यादा ये चिल्लाने लगा रहा है। तो अभी मैं बैठी हूँ, आयान अंदर नाश्ता कर रहा है और मैंने देखो कल से बाल में कुछ कराई हुई ना तो अभी धोई नहीं, कल बाल साफ करूंगी, और वो केमिकल था इतना मेरा सर दुख रहा था, तो हल्दी में भी गई तो मैं हुर को लेके जल्दी आ गई हल्दी में, अपन वीडियो बना ही ले रहे हल्दी में से आई थी पहला, तो हुर इतनी मस्ती करी रुक टुक पे खड़े हो रही, कभी कहाँ खड़े हो रही थी, तो हल्दी में से मैं जाके आ गई और अभी मैं बैठी हूँ। चलो अभी निकलती हूँ तो आप लोग कॉल मतलब बताती हूँ क्या क्या है जर्नी दिन भर की, दिन के आधा दिन तो मेरा निकल ही गया, बस दुआ करो जहाँ मैं जा रही वहाँ पहुँच जाओ प्लीज़। मगर ये कल आप लोग देखे कभी दुआ करेंगे। चलो फिर मिलती हूँ आप लोग से। अनाप जा रही है पवई के रूम पे, तो देखो अभी अनाप उधर सबका ब्लॉग डालेगी क्या है क्या नहीं है, और मैं तो आप लोग बोली थी बाहर जा रही हूँ, तो देखो मेरा शाम तक डिसाइड होता है जाने का, क्योंकि आज मुझे ताजुद्दीन वाले सरकार के नाम की फातिया दिलवाने का है, तो देखते हैं अभी तो दादर से हार वाल मंगाई मैंने, देखते हैं अभी शाम तक होते, तो अभी अनाप जा रही हूँ पवई, तो सब अलग अलग घर है, सब अलग अलग राउंड चालू है ना जा। तो देखो फाइनली सुबह से हमारी मेहंदी का चालू है, एक एक को लग रही है मेहंदी, और अभी अनाब आई है पवई के घर पे, तो बोली कि दीदी थोड़ा
मैं ले लेती हूँ वीडियो, तो मैं बोली ले लें। और देखो मुझे मेहंदी लगाने बॉम्बे से आए हैं क्या इशरत और रिफत। और आप लोग को तो पता है हमेशा मम्मी को वो लोग मेहंदी लगाते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं उनका आईडी कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ उन लोग को कॉन्टैक्ट करना। और देखो बड़ी अम्मी की मेहंदी, पता बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी की मेहंदी लग गई माशाल्लाह। और रेशमा बैठी है, हानू बैठी है, लक्ष्मी बैठी और यहाँ बैठी। फाइनली तैयार हो गए। तो अभी देखो अभी मेहंदी कब तक होती है, फिर मेहंदी में जाना है, मतलब मेहंदी का आज फंक्शन है तो मेहंदी में जाना है। फिर वो रेडी हो गए तो आपको रेडी होकर आपको लुक दिखाएगी आज मेहंदी का लुक कैसा है। इतना खास तो नहीं है फिर भी दिखा देंगे आपको। अभी नाश्ता आया है, अच्छे अच्छे والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلى الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا फाइनली देखो मैं मेहंदी में जाके जस्ट अभी आई हूँ। अभी बज रहा है 3:15, 3:15 हो रहा है। अभी मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ घर पर। और आयत तो बहुत पहले आ गई थी, आयत कुछ 12:30-1 बजे तक दानिश ने उसको लाके छोड़ दिया था।
माशाल्लाह मेरे भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं। बेचारा इतने दूर से मेरी बेटी को यहाँ पर लेके आके छोड़ा फ्लैट पे, फंक्शन छोड़ कर वो लाके छोड़ा। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, नानी और नाना की कितनी मोहब्बत है मेरे बच्चे के पीछे और वो लोग कैसा उसको लेके सोए। और माशाल्लाह मैं तो रोज ही जा रही हूँ फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, बट मम्मी डैडी उसको कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, उसको इतना मतलब प्यार देते हैं। क्या वो बोलती है कि मैं वापिस जा रही हूँ नाना नानी के पास में, तो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ क्या ये लोग कितने केयरिंग है और उसको कितने प्यार से सुलाए। मम्मी तो सो गए और डैडी भी आई थिंक सो ही गए, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लिप बताऊंगी क्या वो लोग कितने प्यार से आयत को सुलाए। और रही बात ये कि माशाल्लाह हल्दी भी बहुत अच्छी थी और मेहंदी भी बहुत अच्छी हुई आज, और कल है शादी, तो इंशाल्लाह शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ आयत का, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहचानो कौन सो रहा है, हमारे घर की मालकिन सो रही है, अनाफ मैडम। अभी मैं आप जा रही हूँ डैडी के रूम में, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ मम्मी सोई है, यहाँ आया तो देखो कि तो प्यार से सोया है, ऐसा लगता हम लोग माँ बाप उसके। तुम ही बोलते छोड़ के जा, छोड़ के जा। के पेट पे सोई थी अभी तो उतरी बाबा, बहुत टाइम से सोई थी। अरे पूछ मत, देखो मैं मोबाइल पे चार्ज पे लगाने तक वो नीचे हो गई, पेट पे सोई थी, उतारी नीचे तेरी करवा। मस्ती कर रही थी अम्मी? अरे बाबा मस्ती ये नहीं करे, याद कर रही थी माँ बाप को? नहीं वो नहीं काम करती, दादा नाना नानी मजबूत है ना समीर। हाँ नाना पूरा फ्रेश किया उसको,